रीवा समान थाने के प्रधान आरक्षक की गुंडागर्दी। चरम सीमा पर समान थाना क्षेत्र में विकलांग को मारा डंडा। डंडा लगते ही विकलांग युवक सड़क पर गिर गया। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां समान थाने में आते ही कार्यवाहक प्रधान आरक्षक की गुंडागर्दी सामने आई है। आपको बता दें, मनगमा से रीवा डॉक्टर को दिखाने आए विकलांग के साथ की मारपीट। विकलांग युवक भी सड़क पर गिरा और बाल बाल बचा। देखिए चोट लगी है, देखिए चोट लगी यहाँ पे, ये देखिए चोट लगी मेरे पैर में, चोट पड़ी है। डंडा कैसे मार दिया? कौन मार रहा है? आप डंडा पैर में डंडा मार रहे हैं आप यहाँ पे? पहली बात हाथ डंडा, मैं विकलांग हूँ, आप डंडा मुझे क्यों मारे? मारा अब मैं आप मारे नहीं मारा हूँ डंडा, क्यों मारूंगा मैं तुमको डंडा? आप मारे हो डंडा, आप मारे हो डंडा। एसपी आपका फोन लगाओ, आप मारे हो डंडा, क्यों मारेंगे डंडा? क्यों मारे हो? आप मारे हो डंडा, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता गाड़ी में बैठा ले जा थाने। हाँ चलिए थाने में चल दूंगा, थाने कोई दिक्कत नहीं है। दो लोग था, आपने मुझे डंडा मारा, मेरे पैर में डंडा लगा, मैं इसलिए दोबारा ही डंडा आया यहाँ से। क्यों मारेंगे डंडा? नहीं सुनिए, लोग निकल। घायल के द्वारा बताया गया कि प्रधान आरक्षक था जिसने मेरे ऊपर डंडों से वार कर दिया। मेरा कसूर इतना था कि मैं मनगमा से रीवा डॉक्टर को दिखाने आया था। मेरे पांव में राड पड़ी हुई थी। डॉक्टर को दिखा के मैं मनगमा की ओर लौट रहा था, तभी अचानक समान पुलिस के द्वारा हाथ दिया गया और मेरी मोटरसाइकिल रुकते रुकते प्रधान आरक्षक ने मुझे खींच के डंडा मेरे पांव में मार दिया, जिससे मैं वहीं सड़क पर गिरा। ऐसे थानों के लापरवाह पुलिसकर्मी जो एसपी की छवि खराब कर रहे हैं, इस तरह का कृत्य करके धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि इनकी गुंडागर्दी दूसरे थानों में जाने के बाद भी नहीं सीमित हो रही है। देखिए इस वीडियो में कैसे एक युवक से पुलिसकर्मी बहस करते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कहां पर डंडा मारा है। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।